तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। ट्रिपल सी के एग्जाम में पिछले 3-4 महीनों से लगातार लिब्रो ऑफिस से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम लिब्रो ऑफिस के सारे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड होने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं लास्ट तक तो आई होप आपको लिब्रो ऑफिस में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। अब मैं यही कोशिश करूँगा कि डेली आप लोगों को लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस का, वो है लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। नंबर एक है क्लर्क, बी नंबर राइटर, सी नंबर इम्प्रेस, डी नंबर ड्रा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको मालूम तो बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइटर, ठीक है। अब राइटर क्या होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो लिब्रो ऑफिस राइटर होता है, ठीक है, उसे एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। लिब्रो ऑफिस में राइटर कहा जाता है और एमएस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड बिन वर्ड बोला जाता है, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लिब्रो ऑफिस क्या है। नंबर एक है एक डिवाइस, बी नंबर है एक संगठन, सी नंबर एक कंपनी जो सॉफ्टवेयर बेचती है, डी नंबर एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर। तो जो लिब्रो ऑफिस है वो एक प्रकार का, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं लिब्रो ऑफिस से पूछे जा रहे हैं। तो मैंने बहुत क्लासेस अदर क्वेश्चन की बना दिए, लेकिन मैंने सोचा आप लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करूं जिससे आपको पूरी तरह से हेल्प मिल सके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से क्या नहीं प्रदर्शित होता है, यानी कि राइटर में क्या नहीं प्रदर्शित होता। नंबर एक कंप्यूटर का नाम, बी नंबर वर्तमान पेज संख्या, और सी नंबर शब्दों की कुल संख्या, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वर्तमान में पेज भी संख्या आपको दिखेगी, स्टेटस बार में कुल शब्द कितने वर्ड हुए वो भी दिखेगा, और लेकिन आपका क्या नहीं दिखेगा, कंप्यूटर का नाम, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटर का नाम नहीं प्रदर्शित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लिब्रो ऑफिस में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन नेम है, नंबर एक .odtd, बी नंबर .psd, सी नंबर है .ott और डी नंबर है .doc। अब ये क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, आप गलती मत कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है कि लिब्रो ऑफिस में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। लिब्रो ऑफिस वर्ड न क्लर्क न इम्प्रेस ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसमें सिर्फ टेम्पलेट की बात होती है हो रही है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर OTT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं या करने चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस देख सकें, लोग बस इसे देख सके और इसे संपादित ना कर सके, तो आप किसका उपयोग करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा कोई फॉर्मेट जिसमें हम कुछ भी लिख दें, ठीक है, हम तो लिख दें लेकिन कोई दूसरा जब उसे देखे या कोई दूसरा अपने डिवाइस में ओपन करे तो उसमें कुछ एडिट ना कर सके, ठीक है, तो वहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे क्या, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर PDF। PDF फॉर्मेट आपको मालूम है, PDF में आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास PDF आती है तो उसमें कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है या शॉर्टकट की कौन प्रयोग की जाती है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको मालूम तो बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर एक है कंट्रोल बी, बी नंबर है Ctrl+W, सी नंबर Ctrl+Enter, डी नंबर Alt+Enter। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, Ctrl+Enter करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। लिब्रो ऑफिस राइटर में भी यही शॉर्टकट कुंजी होती है और आपके एमएस वर्ड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम कौन सा होता है या एक्सटेंशन कौन सा है। तो नंबर एक है .doc, बी नंबर .xls और सी नंबर है .ods और डी नंबर है .odp। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको मालूम तो बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, .ods, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस, नंबर एक है सेमीकंडक्टर, बी नंबर मदरबोर्ड, सी नंबर कीबोर्ड, डी नंबर प्रिंटर। ठीक है, तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ये सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रेऑफिस क्लर्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? तो जो क्लर्क का मतलब एक्सेल आ गया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू, दो होते हैं, दो सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रेऑफिस क्लर्क में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है, या आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी कह सकते हैं कि लिब्रेऑफिस क्लर्क में किसी फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, या क्या यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब आप कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो इफ का हो या एवरेज का हो, सम का हो, प्रोडक्ट का हो, कोई भी हो, तो आप इक्वल लगाते हैं, इक्वल मस्ट होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रेऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। तो जो लिब्रेऑफिस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसमें कई सॉफ्टवेयर कई पार्ट होते हैं, जैसे कि लिब्रेऑफिस सॉफ्टवेयर में इम्प्रेस हो गया, ठीक है, और आपका ड्रा हो गया, ठीक है, दो, और क्लर्क हो गया, और राइटर हो गया, और रिसेप्टर और भी होते हैं। ठीक है, तो ये चार जो होते हैं बहुत मेन होते हैं, तो पूरे सॉफ्टवेयर में एक बंडल होता है, ठीक है, उसी के कई पार्ट होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस होते हैं, सेम उसी तरह इसका भी प्रोसेस होता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रू, ए नंबर। क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रेऑफिस एम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। लिब्रेऑफिस एम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। ठीक है, अब फाल्स क्यों होगा मैं आपको दूँ, क्यों हो जाएगा? लिब्रेऑफिस एम्प्रेस में केवल एक नहीं, और भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रेऑफिस क्लर्क में स्प्रिट सेट में केवल एक सीट हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स, क्योंकि आप और भी सीटें उसमें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लिब्रेऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते। तो भैया जब टेम्पलेट होता, टेम्पलेट में आप क्या एडिट करेंगे, नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। अब फाल्स क्यों होगा? क्योंकि टेम्पलेट में, टेम्पलेट तो एक फॉर्मेट होता है, उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर फाल्स हो जाएगा। अगर ये होता कि एडिट कर सकते हैं, तब ट्रू होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रेऑफिस एम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकते हैं, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा लॉन्ग दिखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूज क्रिएट करना होता है उन लोगों को, कि स्टूडेंट जब तक सही से क्वेश्चन पढ़े ना, तब तक उनको आंसर मालूम ना पड़े। तो आपको इसी तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को पहले समझ लेना, फिर उसका आंसर देना है। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि क्वेश्चन का समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रेऑफिस एम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है, तो इम्प्रेस में आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप किसी का बर्थडे है, या फिर किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ भी समथिंग जो कि फंक्शन होते हैं, इसमें आप लिब्रेऑफिस एम्प्रेस का यूज करके उसमें आप बहुत सारे स्लाइड्स तैयार करके आप उसे शो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, कार्यक्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रेऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स। ठीक है, फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रेऑफिस क्लर्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस वन होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, जब आप एक्सेल में यानी क्लर्क में जब आप कंट्रोल प्लस वन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आप अपने
सेल के फॉर्मेट को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं और उसमें कलर्स और बहुत सारे फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, पूछा भी गया था एग्जाम में कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12 होता है, तो इसका राइट आंसर शायद मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी था उसमें, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन था, इसमें ट्रू फॉल्स में आ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाय डिफॉल्ट जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको 12 ही दिखेगा, इसलिए राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग उसे घटा बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है गेरा आ जाए तो आप इसे फॉल्स कर दीजिएगा, ठीक है। 13 आ जाए तब भी फॉल्स कर दीजिएगा, जब तक 12 ना हो तब तक आप ट्रू मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए इस आंसर का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, नहीं बना सकते। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल्स नहीं बना सकते, राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, नहीं बना सकते। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए आप लाइक करिए और कमेंट में हमें बताइए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि लिब्रे ऑफिस के मैं सारे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आई होप आपको लिब्रे ऑफिस में 99% हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लिब्रे ऑफिस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जितने भी बन रहे हैं एग्जाम में, जितने पूछे जा रहे हैं, सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मॉर्निंग में भी क्लासेस चलती है, इवनिंग में भी क्लासेस चलती है, आप दोनों क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आई होप आपको पूरी तरह से एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वेबसाइट आप लोगों की बनाई है, अगर अभी तक ओपन नहीं किया है तो आप उस पर जाके ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप CCC से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर वहाँ भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ से भी। तो ये फेसबुक पेज है, अगर आप हमसे इससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो बेशक ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहो।